भारतीय मसीही समुदाय के बारे में अधिक जानने के लिए तुरंत पहुंचे christianfort.com पर। पवित्र बाइबल के 100 वैज्ञानिक सत्य 61 से 75 तक। नंबर 61, पवित्र बाइबल के पुराने नियम की पुस्तकों अय्यूब 9:8, यशाया 42:5, यर्मिया 51:15, जकरिया 12:1 में कई स्थानों पर यह लिखा है कि ब्रह्मांड या आकाश मंडल का पासार हो रहा है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने बार बार यही कहा कि वह आकाश को फैलाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आइंस्टाइन सहित अधिकतर वैज्ञानिक यही मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है। कुछ अन्यों का यह भी मानना था कि ब्रह्मांड में विद्यमान सितारों को गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाना चाहिए, परंतु 1929 में खगोल वैज्ञानिक एडविन हबल ने अपने अनुसंधानों के आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि विभिन्न आकाश गंगाएं बहुत तेजी से पृथ्वी से दूर होती जा रही हैं। इस खोज ने खगोल विज्ञान में एक क्रांति ला दी थी। बाद में आइंस्टाइन ने भी अपनी भूल को स्वीकार किया और आज अधिकतर खगोल वैज्ञानिक यही बात मानते हैं जो बाइबल में हजारों वर्षों से लिखित है कि ब्रह्मांड का निरंतर पासार हो रहा है। नंबर 62, विज्ञान के लॉ ऑफ बायोजेनेसिस अर्थात जीव जनन का सिद्धांत का वर्णन पवित्र बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति में दर्ज है। वैज्ञानिक यही मानते हैं कि जीवन केवल वर्तमान जीवन से ही आता या आ सकता है। बाइबल हमें यही बताती है कि जीवन परमेश्वर के जीवन से ही समस्त प्रकार के जीवन का सृजन हुआ। नंबर 63, पवित्र बाइबल के पुराने नियम की पुस्तकों यर्मिया 12:4 तथा होशे 4:3 में जानवरों एवं पेड़ पौधों के नाश होने के बारे में बताया गया है, जबकि विज्ञान का विकास सिद्धांत ये कहता है कि निरंतर विकास के कारण कुछ नए प्रकार के जीव या पेड़ पौधे अवश्य पैदा होने चाहिए, परंतु असल में ऐसा तो कभी किसी ने नहीं देखा। परंतु इस वैज्ञानिक सिद्धांत के विपरीत बाइबल में जैसे लिखा है कि परमेश्वर के अभिशाप अर्थात पीड़ाएं इस सृष्टि पर हैं और सभी जीव जंतुओं का नाश होना अवश्य है, रोमियो 8:20-22। नंबर 64, पवित्र बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक अय्यूब के 28वें अध्याय की 25वीं आयत में लिखा है कि वायु का भी भार होता है। इसराइल के नबी अय्यूब ने 4000 वर्ष पूर्व भी ये ऐलान कर दिया था कि वायु का भी वजन होता है। वायुमंडल वैज्ञानिकों ने भी अब अपनी खोजों के आधार पर इस बात को माना है कि एक औसत आंधी या तूफान की वायु में हजारों टन वर्षा होती है। इतना भार उठाने के लिए वायु का अपना पुंज अथवा भार होना अवश्य है। नंबर 65, पवित्र बाइबल के पुराने नियम की पुस्तकों लेवे व्यवस्था के 13वें अध्याय की 45-46 आयतों तथा गिनती नामक पुस्तक के 5वें अध्याय की 1-4 आयतों तक में मेडिकल क्वारंटीन का वर्णन है। बहुत पहले जब क्वारंटीन का मानवता में कोई वजूद भी नहीं था, उससे कहीं पहले अर्थात हजारों वर्ष पूर्व परमेश्वर ने इसराइलियों को निर्देश दिए थे कि जिन लोगों को छूत के रोग हों वे तब तक आम लोगों से अलग रखे जाएं जब तक कि वे पूर्णतया ठीक नहीं हो जाते। नंबर 66, आकाश में दिखाई देने वाले प्रत्येक सितारे में अंतर है, अर्थात सभी सितारे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उनका आकार एवं तीव्रता अलग अलग होती है। ये बात पवित्र बाइबल के नए नियम में कुरंथियों की पहली पत्री के 15वें अध्याय की 41वीं आयत में लिखी गई है। ये बात टेलीस्कोप जैसे यंत्र की खोज होने से हजारों वर्ष पूर्व तब लिखी गई थी। नंबर 67, पवित्र बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक अय्यूब के 38वें अध्याय की 35वीं आयत में लिखा है, क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे कि मैं उपस्थित हूँ, जिसका सीधा अर्थ यही है कि प्रकाश को भेजा जा सकता है तथा उसे आवाज या ध्वनि में भी परिवर्तित किया जा सकता है। आज विज्ञान भी ये सिद्ध कर चुका है कि रेडियो तरंगे तथा प्रकाश की लहरें एक ही चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दो प्रकार हैं, अतः रेडियो लहरें वास्तव में प्रकाश का ही एक प्रकार है। आज हम रेडियो ट्रांसमीटर्स का प्रयोग करते हुए प्रकाश की तरंगों को भेज सकते हैं तथा आगे गंतव्य पर पहुंचकर आवाज में परिवर्तित हो जाती हैं। नंबर 68, पवित्र बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक नीति वचन के 17वें अध्याय की 22वीं आयत में लिखा है कि खुश रहना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
हालिया वैज्ञानिक अनुसंधानों ने भी इसी बात को सही सिद्ध किया है जो 3000 वर्ष पूर्व बादशाह सुलेमान ने लिख दिया था और जो बाइबल के नीति वचन में दर्ज है। उदाहरणतः हंसने से तनाव उत्पन्न करने वाले कुछ विशेष हार्मोन्स के स्तर कम होने लगते हैं, इससे मनुष्यों की रोगों से लड़ने की शक्ति को संतुलित करने में सहायता मिलती है और शरीर से रोग दूर भागने लगता है। नंबर 69, पवित्र बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक नीति वचन के 18वें अध्याय की 14वीं आयत तथा नए नियम में विद्यमान मरकुस की इंजील के 14वें अध्याय की 34वीं आयत में लिखा है कि अत्यधिक दुख एवं तनाव मनुष्य के स्वास्थ्य हेतु नुकसानदेह होते हैं। हजारों वर्ष पूर्व बाइबल में लिखे इसी सत्य को अब मेडिकल विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि किसी व्यक्ति को पहले कोई मेडिकल समस्या ना हो, परंतु यदि उसमें किसी बात को लेकर कोई मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाए तो उसकी छाती में दर्द प्रारंभ हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तथा एक समय में जाकर ऐसे तनाव के कारण ही व्यक्ति का दिल तक फेल हो सकता है। नंबर 70, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीव के बारे में हमें पवित्र बाइबल की पुस्तक निर्गमन के 23वें अध्याय की 31वीं आयत तथा लैम्बे व्यवस्था के 22वें अध्याय की 8वीं आयत में स्पष्ट बताया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी जानवर की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई हो या उसे किसी अन्य जानवर ने फाड़ दिया हो तो मनुष्य उसे ना खाए। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि किसी भी सड़ चुके मृत शरीर में ऐसे सूक्ष्म जीव कीटाणु होते हैं जो उस स्थिति में घातक सिद्ध हो सकते हैं यदि कोई मनुष्य उन्हें खाए। नंबर 71, पवित्र बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक लेवे व्यवस्था के 7वें अध्याय की 23वीं आयत में जानवरों की चर्बी खाने से मना किया गया है, जबकि अभी कुछ ही दशक पूर्व मेडिकल वैज्ञानिक ये बात ज्ञात कर पाए हैं कि चर्बी मानवीय शरीर की धमनियों में जम जाती है और उससे दिल के गंभीर रोग हो सकते हैं। नंबर 72, पवित्र बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक लेवे व्यवस्था के 17वें अध्याय की 12वीं आयत में मनुष्य को लहू खाने या पीने से भी वर्जित किया गया है। प्राचीन विश्व के बहुत से धर्मों में रक्त पीने की परंपरा काफी रही है, इसीलिए परमेश्वर ने बार बार उत्पत्ति 9:4, लेवे व्यवस्था 3:17, प्रेरितों के काम 15:20 तथा 21:25 में अपने लोगों को रक्त पीने खाने से साफ मना किया है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि रक्त पीना या खाना मानवीय शरीर के लिए घातक हो सकता है। ये भी सर्वमान्य मेडिकल तथ्य है कि एक मनुष्य को केवल उसके अपने ग्रुप का ही रक्त चढ़ाया जा सकता है, यदि किसी अन्य ग्रुप का खून चढ़ाया जाएगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। नंबर 73, पवित्र बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक भजन संहिता में प्रसन्नता की व्याख्या की गई है, जबकि विज्ञान के विकास का सिद्धांत भी इसकी व्याख्या नहीं कर सकता तथा जटिल से जटिल रसायन भी इस प्रसन्नता का वर्णन नहीं कर सकते, परंतु पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने हमें ये सभी वस्तुएं बहुतात से आनंद लेने हेतु दी हैं। प्रसन्नता सचमुच परमेश्वर का उपहार है। 1 तिमोथी 6:17। नंबर 74, विज्ञान के अनुसार तो मादा अर्थात मैटर एवं ऊर्जा ही सभी कुछ है, परंतु जीवन इन दोनों से कहीं अधिक आगे तक है। उत्पत्ति 2:7, अय्यूब 12:7-10, हम जानते हैं कि यदि एक जीवित प्राणी की वायु ना मिले तो मर जाता है, चाहे शरीर अच्छा भला ही क्यों ना हो, और यदि फिर उसमें चाहे कितने भी वायु एवं ऊर्जा संचारित की जाए वह शरीर मृत ही रहता है। पवित्र बाइबल हमें ये बताती है कि केवल परमेश्वर ही किसी शरीर में प्राण फूंक सकते हैं, अतः जीवन की व्याख्या केवल कच्चे माल, समय एवं किसी अवसर के आधार पर नहीं की जा सकती, जैसे कि विज्ञान का विकास का सिद्धांत बताता है। नंबर 75, पवित्र बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक भजन संहिता के 40वें अध्याय की 3री आयत में बताया गया है कि पृथ्वी पर संगीत कैसे उत्पन्न हुआ। विकास का वैज्ञानिक सिद्धांत कभी संगीत के मूल संबंधी व्याख्या नहीं कर सकता। बाइबल के नए नियम में याकूब की पत्री के 1 अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है कि हर प्रकार का उपहार परमेश्वर की ओर से आया है। इसी प्रकार उत्पत्ति की पुस्तक के 4 अध्याय की 21वीं आयत तथा यहेजकेल के 28वें अध्याय की 13वीं आयत में स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर के इन उपहारों में प्रसन्न चित्त संगीतमय ध्वनि भी है। परमेश्वर ने मनुष्य एवं फरिश्तों दोनों को ही संगीत बनाने का उपहार दिया है। इसी प्रकार अय्यूब की पुस्तक के 38वें अध्याय की 7वीं आयत तथा भजन संहिता के 95वें अध्याय की 1-2 आयत में भी ये लिखा गया है कि गाना परमेश्वर की महिमा एवं प्रसन्नता प्रकट करने हेतु होता है।
खबरें आसपास। अगर आप पिंजौर, कालका, बिटना व आसपास के अन्य क्षेत्रों की कुछ चुनिंदा खबरों की जानकारी रोजाना चाहते हैं तो दैनिक ट्रिब्यून के संवाददाता शहबाब सैमुअल के YouTube न्यूज़ चैनल खबरें आसपास को अवश्य देखें, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट भी करें। भारत में मसीहत के 2000 वर्ष का इतिहास जानने के लिए क्रिश्चियन फोर्ट की वेबसाइट christianfort.com पर जाएं। मसीही भाइयों बहनों, ऐसे सभी सवालों के जवाब और ढेर सारी भारतीय मसीही समुदाय की जानकारी लेकर आ गया है christianfort.com। तुरंत इस वेबसाइट पर जाएं।